बुरहानपुर वन विभाग के रेणुका स्थित रेंज कार्यालय में वन कर्मियों पर हमला हुआ था। इस मामले में एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने चौंकाने वाले खुलासे किए कि जागृत आदिवासी संगठन ज्वेल्स के एक कार्यकर्ता नितिन वार्गस की भूमिका संदिग्ध बताई गई है। अतिक्रमणकारी रेमला से जागृत आदिवासी संगठन का नितिन वार्गस हमले के समय संपर्क में था। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया, वन विभाग के रेंज कार्यालय से चार अतिक्रमणकारियों को छुड़ाने के लिए 40 से अधिक अतिक्रमणकारियों ने हमला किया था। वन कर्मियों के साथ मारपीट, कार्यालय में तोड़फोड़ कर चारों आरोपियों को जो है अतिक्रमणकारी छुड़ाकर ले गए। जांच के दौरान एक डायरी मिली जिसमें मला नामक अतिक्रमणकारी ने लेन देन का हिसाब लिखा था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो लालबाग थाना क्षेत्र में मामला कायम हुआ है, अभी जो डिपो पे हमला करके 36 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की थी, उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट भी मिले थे जिसके अंदर कुछ पैसों के लेनदेन की बात हुई है, रेमला के पास बताई गई थी। अभी जो CDR वगैरह उसकी खंगाली है तो उसमें ये चीज़ नई अपडेट आई है कि उसके अंदर जो उनका रेमला था जो वहाँ से निकला तो वो जागरूक आदिवासी संगठन का जो नितिन वर्गीस है वो उसके साथ में लगातार कॉन्टैक्ट में था। जब 7:30 से 8 के बीच में यह घटनाक्रम हुआ है तब लगातार जो नितिन वर्गीस जो है वो जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है उनके साथ में लगातार फ़ोन पे संपर्क में भी था और उसके उसी टाइम पे भी वो संपर्क में था। उसी के द्वारा जब लोगों से पूछताछ हुई तो बताया गया था कि उसी के द्वारा बताया भी गया था कि वहाँ पे जाके देखिए और करिए, तो इसमें उनको नया नोटिस दिया गया है। जागरूक आदिवासी संगठन का जो नितिन वर्गीस है उसको नोटिस देकर उसको पूछताछ के लिए बुलाया है और इसमें इनका क्या रोल है इसके बारे में भी अभी तब्दीश शुरू की।